जो दोहरा हत्याकांड हुआ है सर, ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ है इसके पीछे क्या पुलिस की नाकामयाबी हम इसे मान के चले? ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जो आरोपी था वो जिला बदर की उस पर कार्रवाई की गई थी। जिला बदर होने के पश्चात जब उसकी यहाँ पर उपस्थिति पाई गई तो पुलिस द्वारा उसे पकड़ने का कोशिश की गई, जिसमें वो पुलिस के ऊपर हमला कर भागने में सफल रहा। और उसके द्वारा अभी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा उसके पश्चात ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस अपनी पूर्ण प्रयास कर रही है और हम आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। सर, पहले तेल जलाना एक आदतना अपराधी जो जिला बदर की कार्रवाई थी उसके बावजूद उसका जिले के अंदर और जो भी महज थाने से 150 मीटर दूर उसका घर वहाँ पे रहना, ये पुलिस की नाकामी भी हम इसे ना माने? ये पूर्व में भी यहाँ पर पाया गया, पूर्व में भी मिला था तो जिला बदर के उल्लंघन में इसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था, जिसके पश्चात वो जमानत पर वापस आ गया और उसे जिला बदर कर दिया गया था। यहाँ पर वो लगातार नहीं रह रहा था। जब कल शाम को उसकी यहाँ पर उपस्थिति पुलिस को दिखाई दी तो पुलिस द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वो पुलिस पर हमला कर भाग निकलने में सफल हुआ है। सर, इस जो अभी पुलिसकर्मी के परिवार के ऊपर हुआ तो इसके भविष्य में पुलिसकर्मियों के परिवार की सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे आप? पुलिस, ना सिर्फ पुलिसकर्मी, पुलिस के परिवार और आम जनता सभी की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस घटना से पुलिस में किसी प्रकार का भय व्याप्त हो या कोई इस प्रकार का हमको डर लगे। पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छे से और पूरी संजीदगी से निभाएगी। सर, जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है और पुलिस जो है कि खुद ही सकते हैं, क्या है कि आतंकवादी हमला जैसा लग रहा है, इसको क्या मानते हैं? ये एक घटना है, नेचुरली एक आरोपी द्वारा पुलिस परिवार पर हमला किया गया है और एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड था और हर हालत में आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर और आगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी अभी फरार है, कितने आरोपी हैं अभी तक क्लियर नहीं हो चुका है, लेकिन ऐसा बताया जाए तो आरोपी थोड़ा सा दूसरे मानसिकता का है, तो क्या लग रहा है कि बहुत खतरा है? देखिए, अभी प्रकरण में जो विवेचना है वो बहुत ही प्राथमिक स्तर पर है और जब प्रकरण की विवेचना में कुछ तथ्य सामने आएंगे तो हम हर हालत में आपके साथ शेयर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।